भाई कैसे मौके पर हम आए हैं आप अपनी खैरियत खुद बता दें, पहचानने वालों ऐसी बैठे बैठे बता दें। अब लगा ले जो साथी हमारे जो हैं रोल थोड़ा सा नीचे कर लो, नीचे भाई नीचे कर लो यार, फोन नीचे कर लो भाई। ये एक हमला है जी, परतों अच्छा नीचे कर ले। एक है ना, मैं चंद्रशेखर आजाद की खैरियत लेने आया हूं, थोड़ा और नीचे भाई, थोड़ा दीपक हमले से परेशान नहीं हूं क्योंकि ये पहला हमला नहीं और ये आखिरी भी नहीं है। बस ये सेहतमंद रहें और जो मिशन है इनका गरीबों और कमज़ोरों को न्याय दिलाने का, वो इनकी ज़िंदगी के साथ वो मिशन भी ज़िंदा रहे। हमने इन्हें देख लिया, हमारा दिल खुश हो गया, हमारा आज का मिशन पूरा। ने कहा कि मतलब पुलिस ने जल्दबाजी में जो भी खोला है, तो इस बारे में आप क्या कहें? 250 मुकदमे हैं हम पर, नीचे कर लो। मैंने चौथी बार जब मिनिस्टर था और जेड सिक्योरिटी में था, जेड प्लस रिकमेंडेड थी, उस वक्त मेरी बीवी एसोसिएट प्रोफेसर थी। हमारे ऊपर ये मुकदमा है कि हम मियां बीवी ने एक शराब की दुकान लूटी, शराब की बोतलें लूटी और 16,900 रुपया गले से डाका मार के ले गए। मुर्गियां चुराई नहीं है हमने, मुर्गियों का डाका किया है। 395-396 बकरियां, भैंसे, अलमारियां, किताबें। अब आप ऐसे व्यक्ति से अगर पुलिस के बारे में पूछोगे तारीफ ही करेगा। हाँ साहब, मुझे सरकार सुरक्षा को लेकर तुम बड़ा बड़े बड़े वायदे करती है, अब देखो आप विपक्ष के साथ अब एक ही आवाज़ उठा रहे हैं कि सुरक्षा बिल्कुल फेल है, क्या कुछ अब फेल कौन सा वाला है? कंपार्टमेंट आई है या सारे सब्जेक्ट्स में फेल है? कंपार्टमेंट अगर आती है तो प्रमोशन मिल जाता है। अब पहले ये तय करो कि कितने सब्जेक्ट में फेल है सरकार, और जाकू राखे साई या मार सके ना कोई, बचाने वाले भी कभी जो आज सत्ता चला रहे हैं उनका इतिहास भी मालूम है ना। ठीक 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 ठीक।